वक्त फिर अगर हमारे केसेस बढ़े, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कंप्लीट बैन लगाने में अगर माने, लेकिन मैं इस टाइप की इश्यूज नहीं क्रिएट करना चाहता कि वहाँ से सवारियाँ आएँ और बॉर्डर पर रोक दिया जाए। तो ये एक नेशनल फैसला होगा अगर वो करना है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो पिछले साल जून जुलाई में हुआ था कि हमारे यहाँ अस्पताल, और इस वक्त की सिचुएशन कुछ कुछ अस्पतालों में हो गई है, डॉक्टर फैसल बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं इधर आ खान और इंडस में, आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है वो फुल है। हमने एक्सपो सेंटर बंद कर दिया था, उसको दोबारा खोला है और उसके नंबर्स भी होंगे 50% वो बढ़ गई है। मुत्तफिका फैसला था सबका कि जी हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है, रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं। और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते कि दो हफ्ते बाद हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। हमने जो फैसले किए कि जी जो पहली बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगे अगले दो हफ्ते तक, और हम नहीं सोचेंगे दो हफ्ते इनको रिलैक्स करने। इन बंदिशों में कुछ और भी ऐड किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जी दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकती हैं, हम उसको वापस 6 बजे शाम तक लेंगे, और ये नोटिफिकेशन आज इशू हो जाएगा। सिर्फ जो खुली हैं मैं वो बता दूं, फार्मेसीज में भी वो स्टैंड अलोन फार्मेसीज हमने कहा है। अगर कोई फार्मेसी यानी दवाओं की दुकान, मैंने कल बात की थी इधर, मैं रिपीट कर देता हूँ अपने मीटिंग में, कि अगर अंडे डबल रोटी बेच रहा है तो वो बंद हो जाएगी पूरी की पूरी दुकान। पेट्रोल पंप्स खुले हैं शाम को, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मेहरबानी करके ना किया जाए, नहीं तो फिर कोई ऐसा एक्शन। और एक्शन में ये भी क्लियर कर दूं कि वो एक्शन जो भी हुकूमत लेगी उस दुकान के ऊपर लेगी। मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज हैं वो बंद हो जाएंगी। मैंने बताया इंडोर आउटडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है, वो जो खोलने की बात थी, सिंध के अंदर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है। मैरिज हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, पार्क्स, आपके जो इंडोर जिम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, किसी किस्म की होती हैं, फिर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो ये पार्क्स वगैरह हैं, अलादीन पार्क हो गया, ये सब बिल्कुल बंद हैं, इनको हम नहीं खोल रहे हैं। सिनेमास, ब्यूटी पार्लर्स, स्पास, श्राइन्स, दरगाहें, हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले दो हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद हैं, किंडरगार्टन से लेके, नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक, प्राइवेट या पब्लिक। पिछले साल रमज़ान और उसके ईद पे बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद बढ़ी थी, हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखी और हमने इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये कहा कि जी हम अपने केसेस बढ़ा देंगे, और वो हमने किया है। सिंध के अंदर ईद उल फितर के बाद यानी 14 मई से लेके 22 मई तक हमने 2809 केस पर मिलियन किए हैं, टेस्ट पर मिलियन किए हैं, और ये किसी और सूबे से दुगने हैं। पूरे हफ्ते का मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, पूरे सूबे की है 8.37%, 8.37%। लेकिन हमें ज़्यादा थोड़ी तशवीश इसलिए हुई है कि जो हमारे गुंजान इलाके हैं, जो बड़े दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद, कराची को अगर हम एज अ डिवीज़न हम लें तो कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.60% है, और इसमें भी इनके डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट की पॉजिटिविटी वो 26% से ज़्यादा है इस पूरे एक हफ्ते में। रमज़ान के बाद ईद का जो
नंबर ऑफ केसेस जो हुए थे उनकी एनालिसिस की, और ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, अगर आई डोंट नो फोकस कर सकते हैं या आप देख तो सब सकते होंगे इसको, जो है कि ये ईद उल फितर पे पिछले साल 846 केस थे और 15 दिन के अंदर ये हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 3000 हो गए, और इस दिन 30% पॉजिटिविटी थी। ये हमारे लिए कंसर्न की बात थी। और इस साल भी जब हमने अभी तक ये देखा है, तो जब पहली शवाल को ईद के दिन 831 केस थे और कल थोड़े कम आए, परसों ये भड़के 2136 केस हो गए। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, नहीं पिछले साल का भी आपने मैंने आपको दिखाया, इस साल का भी ये ट्रेंड देख के तो तशवीश, टास्क फोर्स ने हमें जो एडवाइस किया कि जी आपने सख्त इकदाम करने होंगे, ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक, कल तो पूरे सिंध के अंदर शदीद गर्मी के बायस, अब पता नहीं फिर छठा सातवां वजीर आएगा तो शायद इसको ठीक करे, 5-6 तो आ चुके हैं, किसी के बस की बात नहीं है। और बस की बात इसलिए नहीं कि वो लोगों का दुख, लोगों का दर्द नहीं समझते, उनके सामने ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनको ये समझते हैं कि जी फलाने ने बिल नहीं दिया, बिल एक ने नहीं दिया, पूरा ट्रांसफार्मर उठा के ले जाए, एक गांव में एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो उस पूरी यूनियन काउंसिल की बिजली काट दें। ये होता है जब आपके दिल में दर्द नहीं होता है लोगों का। ये वजूहात हैं कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक बिल्कुल नाकाम गई है, और जो थोड़ी बहुत सपोर्ट सिंध हुकूमत कर रही, जिसकी वजह से फिर भी ये चल रही है, जो हमने पावर प्लांट्स बनाए और उनको हम बिजली दे रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं और बिजली देने की। पुलिस का आपने क्या, बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ है, और आप लोगों के आते रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस या ग्रुप्स में देखता हूँ, उस पर उसी वक्त एक्शन लिया जाता है। कहीं पे भी कोई ज्यादती कर रहा हो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।